फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल। अभी डीप फाउंडेशन का कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ ए पाइल फाउंडेशन इज ड्यू टू जनरल शेयर या लोकल शेयर या मिक्स्ड शेयर या पंचिंग शेयर। तो पाइल फाउंडेशन जो रहता है वो हमारा डीप फाउंडेशन होता है। जनरली वो डीप फाउंडेशन हमारा सॉफ्ट सॉइल में रहता है या फिर क्ले सॉइल में रहता है। तो ये क्ले सॉइल में या फिर सॉफ्ट सॉइल में जनरली हमारा पंचिंग शेयर फेलोर होता है। तो आंसर होगा पंचिंग शेयर फेलोर। नेक्स्ट देखिए, डायनामिक फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन कैरिंग कैपेसिटी इन सैचुरेटेड सैंड्स या ड्राई सैंड्स एंड सैचुरेटेड क्लेज या ड्राई ग्रेवल्स। तो ये होगा आंसर सैचुरेटेड क्ले। सैचुरेटेड क्ले में डायनामिक फार्मूला दैट कैन नॉट बी यूज्ड। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम ए कोहेसिव फील प्लेस्ड ओवर ए कोहेसन लेस सॉइल डिपॉजिट। कोहेसिव सॉइल है ऊपर एंड कोहेसन लेस सॉइल है नीचे। और नेक्स्ट है, ए कोहेसन लेस फील प्लेस्ड ओवर ए कंप्रेसिबल कोहेसिव डिपॉजिट। ऊपर है कोहेसन लेस, नीचे है कंप्रेसिबल कोहेसिव डिपॉजिट। नेक्स्ट है, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल विच रिजल्टिंग ग्राउंड सब्सिडेंस। नेक्स्ट है, पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन जो कि है हमारा डायनेमिक एक्शन। तो ये सारा जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट देखिए, द डायमीटर ऑफ द अंडरमेड बल्ब इज जनरली डैश टाइम्स द स्टेम डायमीटर। तो जो अंडरमेड बल्ब था उसका डायमीटर कितना होगा स्टेम डायमीटर का? 2.5 टाइम्स। सो दिस विल बी 2 to 3। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ बल्ब इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 2 द कैपेसिटी ऑफ द पाइल इंक्रीजेस बाय अबाउट। अगर एक बल्ब है तो 2 हो गया। नंबर ऑफ बल्ब इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 2। एक बल्ब हम लोग यूज कर रहे थे पहले, तो पहले नेक्स्ट टाइम में 2 यूज किया तो कैपेसिटी कितना इंक्रीज होता है? तो कैपेसिटी ये 50% मोर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ पाइल्स विच डिराइव्ड देयर कैपेसिटी ओनली बाय फ्रिक्शन शुड नॉट बी लेस देन डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइल सेफ्ट। मिनिमम जो स्पेसिंग कितना होगा फ्रिक्शन पाइल में, तो मैंने बताई थी उसको 3D, तो ये हो जाएगा हमारा 3 times। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप एफिशियंसी ऑफ फ्रिक्शन पाइल इन क्ले इज हाउ मच। ग्रुप एफिशियंसी इन फ्रिक्शन पाइल विल बी दैट विल बी लेस देन 100%। 100% नहीं रहता, क्योंकि वो ग्रेटर हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो बनेगा लेस देन 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो, फॉर सेटलमेंट इवेल्यूशन ऑफ फ्रिक्शन पाइल ग्रुप्स इन क्ले द लोड इज अज्यूम टू बी अप्लाइड एज ए यूनिफॉर्म लोड एट ए डेप्थ ऑफ अबाउट डैश द लेंथ ऑफ द पाइल्स। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है कि द सेटलमेंट इवेल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रुप पाइल्स में जो कि क्ले में है, ठीक है। तो उसका यूनिफॉर्म लोड जो लग रहा है वो पाइल्स की कितनी डेप्थ में लग रहा है। पाइल्स का ग्रुप पाइल अगर है क्ले में तो उसका लेंथ का कितनी लेंथ में हमारा लोड लग रहा है वो होगा यहाँ पे 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइल्स। 2/3, ये अगर हमारा पाइल्स है तो इसका 2/3 लेंथ में टोटल लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन पाइल दिया है, तो फ्रिक्शन पाइल कौन सी सॉइल में होगा? ये होगा स्टीप क्ले। देन बैटर पाइल, बैटर पाइल का काम क्या होगा? ये लैटरल लोड को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, टेंशन पाइल जो है ये अपलिफ्ट लोड को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट है कंपैक्शन पाइल जो है वो लूज ग्रैनुलर सॉइल में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड्स द टिल्ट एंड शिफ्ट ऑफ वेल शुड रेस्पेक्टिवली बी हाउ मच। ये जो टिल्ट होगा और शिफ्ट ऑफ द वेल होगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कोड, दैट विल बी 1 in 60 एंड शिफ्ट विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन। ऑप्शन देखिए, एन अपवर्ड ड्रैग एग्जिस्ट इन पाइल या द सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन द पाइल। ये सही है, द सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन द पाइल। नेक्स्ट देखिए, वेल फाउंडेशंस आर कॉमनली यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। वेल फाउंडेशन कहाँ पे यूज होता है? वाटर टैंक, ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स।
तो इसका आंसर होगा ब्रिजेस, ब्रिजेस के अबटमेंट में यूज होता है वेल फाउंडेशन। नेक्स्ट देखिए, द पाइल कैपेसिटी इन फाउंडेशन इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द पाइल, सपोर्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ड्राइविंग कैपेसिटी ऑफ द हैमर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द पाइल एंड सपोर्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो इसका आंसर होगा डी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द पाइल एंड सपोर्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स नीडेड इन ए ग्रुप ऑफ पाइल्स टू सपोर्ट ए कॉलम इज 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आंसर होगा 3। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स इज डोमिनेंट इन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स इज डोमिनेंट इन, ऑप्शन देखिए, पाइल्स रेजिस्टिंग ऑन हार्ड सैंड्स, फ्रिक्शन पाइल्स इन सैंड्स, फ्रिक्शन पाइल्स इन सॉफ्ट क्लेज, फ्रिक्शन एंड बियरिंग पाइल्स। तो इसका आंसर होगा फ्रिक्शन पाइल्स इन सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले में ज़्यादा रहता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, ज़्यादा क्रिएट होता है। नेक्स्ट देखिए, अंडर रिमेड पाइल्स आर यूजुअली प्रीकास्ट पाइल या ड्रिवन पाइल्स या बोर्ड पाइल्स या बोर्ड और ड्रिवन पाइल्स। तो इसका आंसर होगा बोर्ड पाइल्स, अंडर रिमेड पाइल को सिर्फ हम लोग गड्ढा खोल के उसको कास्ट करते हैं, बोर्ड पाइल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटलमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सिंगल पाइल इज सेम एयर लेस या मोर एंड नॉन ऑफ द एवर। ग्रुप ऑफ पाइल अगर ले रहे हैं और एक सिंगल पाइल ले रहे हैं तो कंपेयर क्या होगा, तो ग्रुप ऑफ पाइल जो होगा उसका सेटलमेंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सिंगल पाइल। अगर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो सैंड में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ग्रुप पाइल का ज़्यादा रहेगा सिंगल के हिसाब से, बट क्ले सॉइल में अगर तो वो आइदर मे बी मोर और मे बी लेस और मे बी इक्वल्स हो सकता है, बट ये बात करें यहाँ पे सेटलमेंट की। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर स्किन फिक्सन दैट विल बी रिटार्ड्स द सिंकिंग ऑफ वेल या एक्सीलरेट्स द सिंकिंग ऑफ वेल, डज नॉट अफेक्ट द सिंकिंग ऑफ वेल, नॉन ऑफ द अबव। तो अगर ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा दैट विल बी रिड्यूसेस द सिंकिंग ऑफ वेल, मतलब वो रिटार्ड्स द सिंकिंग ऑफ वेल, वेल जो है हमारा डूबेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइजेंस आर स्ट्रक्चर्स यूज फॉर अंडरपाइनिंग या लिफ्टिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग फाउंडेशन पार्ट्स या डी वाटरिंग वाइल लेइंग फाउंडेशन या कंस्ट्रक्टिंग फाउंडेशन इन प्रॉपर पोजिशन। तो काइजेंस आर स्ट्रक्चर्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग फाउंडेशन इन प्रॉपर पोजिशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।